आज हम पढ़ेंगे आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्कबुक में सर्वनाम समझिए। सर्वनाम समझिए जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 215 पर है, ठीक है, 215 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं सर्वनाम समझिए। मित्रता की शुरुआत कहानी को पढ़िए और उसमें पक्षियों, तीतर और कौवे के स्थान पर आए शब्दों को छाटिए। जैसे एक घने जंगल में छोटे बड़े पक्षी रहते थे। वे, ये पक्षी के लिए कहा गया है, वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। दूसरा वाक्य है तीतर अपने घर लौट रहा था। वह, ये तीतर के लिए कहा गया, वह एक पेड़ पर बैठ गया। कौवा उसकी मीठी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे, उसे किसके लिए कहा गया यहाँ पर, कौवे को भी तीतर अच्छा लगा। तो ये जो कहानी है इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इन वाक्यों में पक्षी, पक्षी जो संज्ञा है, के स्थान पर वे, तीतर संज्ञा है, के स्थान पर वह, मतलब यहाँ पक्षी के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग हुआ है, तीतर के स्थान पर वह, कौवा जो कि एक संज्ञा है, के स्थान पर उसे शब्द का, उसे शब्द कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसके स्थान पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे जाने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। कुछ प्रमुख सर्वनाम है, मैं, तुम, ये जो शब्द है ये सारे सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन सर्वनामों में लिंग, वचन, विशेषण, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह, वे, मैं, तू, तुम, मुझे, मेरे लिए, तुम्हें, उन्होंने, उसे आदि। तो ये सारे जो है सर्वनाम शब्द दे रखे हैं और इनमें लिंग, वचन, विशेषण, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे जो सर्वनाम के भेद दे रखे हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कितनी बार के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तो इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, हमें, हमको, मुझे, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। और मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इसके 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हमें, हमको, मुझे, ठीक है, और मध्यम पुरुष में आप, आपको, तुम, तुझे, तेरा, और अन्य पुरुष में आता वह, वे, उसे, उसने, इन्हें, उन्होंने, ठीक है। इसका दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक, जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और तीसरा है इसका भेद, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, यहाँ पे मतलब कोई, कोई भी हो सकता, कुछ मतलब कितना है ये हमें पता नहीं, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, ये प्राणी बोधक है, और क्या, वस्तु बोधक है। उसी प्रकार पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, इससे संबंध बताया जाता है। और छठा जो सर्वनाम का भेद है वो निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, स्वयं, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसका अभ्यास 294 जो कि पेज नंबर 216 पर है। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द और उसका प्रकार भेद छाट कर लिखिए। तो यहाँ सर्वनाम शब्द लिखने और उसके प्रकार भी हमें यहाँ लिखने। तो यहाँ पे जैसे वाक्य दे रखा है, पहला हम भोपाल जा रहे हैं, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, हम, ठीक है, कौन सा है, हम है, हम सर्वनाम शब्द है। और यह कौन सा प्रकार है सर्वनाम का, पुरुषवाचक, ठीक है,
पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष का उदाहरण है, ठीक है, उत्तम पुरुष का है। दूसरा है मोहन स्वयं खाना पकाता है, मोहन स्वयं खाना पकाता है, तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, स्वयं, ठीक है, स्वयं। और ये प्रकार में कौन सा है, निजवाचक, निजवाचक, ठीक है, निजवाचक, स्वयं के बारे में बता रहे तो निजवाचक। फिर वह आश्चर्यचकित रह गया, तो यहाँ पे वह जो कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ये, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया, तो यहाँ सर्वनाम शब्द है कुछ, और ये कैसा है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक। फिर दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे कौन शब्द जो है सर्वनाम है, और यह है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पर कोई आया है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, कोई, ठीक है, कोई शब्द है। छठा है पर कोई आया है, पर कोई आया है, तो यहाँ पे जो कोई है, कोई जो है यह सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, ठीक है, कौन सा है, अनिश्चयवाचक। यहाँ पता नहीं कोई मतलब कोई भी हो सकता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। अगला है टोकरी में क्या है, टोकरी में क्या, सातवां जो है टोकरी में क्या है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है क्या, क्या सर्वनाम शब्द है क्या, और ये कौन सा है प्रकार, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पूछा गया है क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला जो आठवां है, जो मेहनत करेगा वह फल भी पाएगा, तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द है जो और वह भी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो और वह, यहाँ पर दो सर्वनाम शब्द है, तो जो जो है वो संबंधवाचक है, कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जबकि वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक, वह कौन सा है, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, आप एक भी लिख सकते हो कोई सा। अब अगला है नवा, मैं आप ही कर लूंगा, आप, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है आप, और सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो यह हमने सर्वनाम के शब्द और उनके प्रकार कर लिए हैं, ठीक है। अगला जो अभ्यास है 295 वाला, अभ्यास क्रमांक है 295, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 217 पर है, पेज नंबर 217 पर है। निम्नलिखित कहानी में सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पे हमें सर्वनाम शब्द लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक घना जंगल था, तो ये पूरी एक कहानी है जिसे हमें कहानी के रूप में पूरा कर देना है, और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है, तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, यह तो हम पढ़ चुके हैं। एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल जाता था। एक दिन, अब लकड़हारा था है ना, तो एक दिन जंगल गया वहां, तो एक दिन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक दिन वह जंगल गया। अब लकड़हारा के, लकड़हारा था और इसके स्थान पर हमने क्या शब्द प्रयोग कर लिया, वह, ठीक है, एक दिन वह जंगल गया, वहां उसने, यहाँ पे क्या आएगा, वहां उसने, ये लकड़हारा के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम, वहां उसने सूखी लकड़ियां एकत्रित की, लकड़ियां सिर पर रखी और घर की तरफ चल पड़ा। उसने, ठीक है, उसने लकड़ियां सिर पर रखी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक खरगोश मिला, तो यहाँ क्या आएगा, रास्ते में उसे, रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। बहुत ठंड से कांप रहा था वह, है ना, अब यहाँ पे खरगोश मिला, तो खरगोश मिल गया है ना, रास्ते में उसे एक खरगोश मिला, वह बहुत ठंड से कांप रहा था, यहाँ खरगोश के लिए हमने लिखा है वह। लकड़हारे ने अपनी सूखी लकड़ियां जलाकर
ठंड दूर कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसकी ठंड दूर कर दी, किसकी, खरगोश की। एक बार लकड़हारा लकड़ियां ले जाते समय अपना बटुआ भूल गया, खरगोश बटुए को पहचान गया, बटुए को लेकर लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वह कौन है ये वह, खरगोश, खरगोश के लिए हमने लिखा वह, क्योंकि खरगोश बटुए को पहचान गया। वह बटुए को लेकर लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, यह लो बटुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यह लो तुम्हारा बटुआ। तो इस तरह से हमने खरगोश और लकड़हारा इन दो के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग करे हैं और ये कहानी हमने पूरी कर दी है। एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल जाता था। एक दिन वह जंगल गया, वहां उसने सूखी लकड़ियां एकत्रित की, उसने लकड़ियां सिर पर रखी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला, वह बहुत ठंड से कांप रहा था। लकड़हारे ने अपनी सूखी लकड़ियां जलाकर उसकी ठंड दूर कर दी। एक बार लकड़हारा लकड़ियां ले जाते समय अपना बटुआ भूल गया, खरगोश बटुए को पहचान गया, वह बटुए को लेकर लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, यह लो तुम्हारा बटुआ। इस तरह से एक्टिविटी पूरी हुई है। इसके साथ ही सर्वनाम शब्द की अगली एक्टिविटी अभ्यास 296 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 218 पर, और ये भी सर्वनाम की है इसलिए हम इसको भी इसके साथ ही कर लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और यथास्थान सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पुनः लिखिए। फिर से हमें लिखना है इसे, पुनः लिखिए मतलब फिर से लिखना है और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है, तो हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग करने हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। रेवती एक होशियार लड़की है, रेवती हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, रेवती का एक भाई भी है, रेवती का भाई भी रेवती के साथ शाला में पढ़ता है, रेवती के भाई का नाम राकेश है, राकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता, राकेश को खेल में आनंद आता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ये शब्द वापस प्रयोग हो रहे हैं, पुनः पुनः जहाँ इनका प्रयोग हो रहा है वहां पर हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो चलो हम इसको लिखेंगे, है ना, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं रेवती, क्योंकि इसे हमें पुनः लिखना है इसलिए रेवती एक होशियार लड़की है, रेवती एक होशियार लड़की है, ठीक है। अब फिर से रेवती शब्द आया है तो हम लिखेंगे वह, है ना, रेवती के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, रेवती हमेशा कक्षा में प्रथम आती के स्थान पर हम लिख सकते हैं वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती, क्योंकि एक बार हमने नाम लिख दिया, पहचान बता दी है, इसलिए यहां लिखेंगे वह हमेशा, वह हमेशा कक्षा में, कक्षा में प्रथम आती है, ठीक है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, ठीक है। अब है रेवती का एक भाई भी है, तो रेवती के स्थान पर फिर क्या लिख सकते हैं, उसका, है ना, रेवती का के स्थान पर उसका, एक भाई भी है, है ना, उसका एक भाई भी है, ठीक है। रेवती का भाई भी रेवती के साथ शाला में पढ़ता है, आगे क्या है, रेवती का भाई भी रेवती के साथ शाला में पढ़ता है, तो हम यहां लिख देंगे उसका भाई भी, उसका भाई भी उसके साथ शाला में पढ़ता है, उसका भाई भी उसके साथ शाला में पढ़ता है। रेवती के भाई का नाम राकेश है, है ना, रेवती के भाई का नाम है राकेश है, तो हम लिखेंगे उसके भाई का नाम, उसके भाई का नाम राकेश है, क्योंकि यहाँ पर राकेश नाम पहली बार आया तो हमें अब यहाँ लिखना पड़ेगा, उसके भाई का नाम राकेश है, राकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो हम लिखेंगे राकेश के, अब राकेश नहीं लिखेंगे और क्या लिख देंगे, उसका, उसका मन, उसका मन पढ़ाई में, पढ़ाई में नहीं लगता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ठीक है। राकेश को खेल में आनंद आता है,
तो उसको राकेश को के स्थान पर उसको खेल में आनंद आता है, ठीक है, आनंद आता है। तो इस तरह से हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया है। जैसे रेवती एक होशियार लड़की है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, उसका एक भाई भी है, उसका भाई भी उसके साथ शाला में पढ़ता है, उसके भाई का नाम राकेश है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको खेल में आनंद आता है। तो ये सारे सर्वनाम शब्द हमने प्रयोग करे हैं, यथास्थान और गद्यांश को पुनः लिख दिया है, ठीक है।